सर्किट तो वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं सैयद साद आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है circuit, कि है अबाउट द सर्किट कि सर्किट क्या होता है व्हाट इज अ सर्किट तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और सर्किट से रिलेटेड आपके एम जामिया और सी तीनों में कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर साल बट ऑल्टरनेट ईयर्स पर एक ना एक सवाल इस पे आ ही जाता है तो इसको समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और इसी तरह के लेक्चर्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि ओम स्लॉ के लिए इन चारों क्वांटिटीज में से किस क्वांटिटी को यूज किया जाता है एज कॉन्स्टेंट कमेंट सेक्शन आपका है इसका राइट right आंसर वहां पर लिखिए हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक सो स्टे विद बिकॉज देयर इज अलॉट टू नो अलॉट टू डिस्कस नाउ जब हम बात कर रहे हैं सर्किट की व्हाट इज आर सर्किट तो सर्किट की डेफिनेशन क्या कहती है तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज सर्किट जब कभी भी हम किसी भी डिवाइस को किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो किससे चलता है वो करंट से चलता है तो जब आप स्विच ऑन करते हैं तो वो डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है तो करंट उस डिवाइस तक पहुंचता कैसे है तो उसके लिए एक हमें सर्किट बनाना पड़ता है जिसके लिए हम यूज करते हैं वायर का और वायर के ही थ्रू करंट फ्लो करता है और जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो ऑपरेट होता है तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो किसी भी डिवाइस को कैसे ऑपरेट कर पाता है तो इसके पीछे बेसिकली उस वायर की हमें फिजिक्स को समझना पड़ेगा तो जो वायर होता है वो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स से बना हुआ होता है जैसा कि मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ मटेरियल्स वाला जो लेक्चर पढ़ाया था जहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जिसमें कि कंडक्टर इंसुलेटर हमने बहुत डिटेल में जाकर डिफाइन किए थे तो मैंने आपको बताया था जो कंडक्टर्स होते हैं वो अपने साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं और जो कंडक्टर्स होते हैं सिर्फ वही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होगी तो किसी भी कंडक्टर में किसी भी वायर में इस तरह से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ये जो आप ये जो आप अपने स्क्रीन पर ब्लू कलर के डॉट्स देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को तो जब हम टाइप्स ऑफ सर्किट की बात करते हैं कि सर्किट कितने टाइप के हैं तो ये हमें मेनली मिलते हैं फाइव टाइप्स के जिसमें से तीन टाइप तो बेस करते हैं ऑपरेशन पे और दो टाइप बेस करते हैं कनेक्शन पे तो कनेक्शन वाले टाइप यानी कि जो सीरीज और पैरेलल हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बट ओपन सर्किट क्लोज सर्किट और शॉर्ट सर्किट जो तीनों ऑपरेशनल टाइप ऑफ सर्किट हैं ये हम इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं नाउ तो नंबर वन ओपन सर्किट क्या है तो जब हम ओपन सर्किट की बात करते हैं ओपन सर्किट हम उस सर्किट को बोलते हैं जहां पर के स्विच ऑफ हो यानी के जो रेजिस्टेंस है वो हाई है बहुत ज्यादा हाई है इनफाइनाइट है और करंट जो है वो मिनिमम है या ये कहें कि जीरो है यानी कि सर्किट 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 किस कंडीशन 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 में 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 है circuit है ऑफ ऑफ तो जब कभी भी में होता है उसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट और ओपन सर्किट हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये यहाँ से आप देख सकते हैं ओपन है इसी वजह से हम इसको ओपन सर्किट बोलते हैं देन जब आपने सर्किट क्लोज कर दिया यानी कि स्विच ऑन कर दिया अब इसको हमने यहाँ क्लोज कर दिया अब यहाँ कोई भी गैप आपको नहीं दिखाई दे रहा तो इस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं क्लोज सर्किट और क्लोज सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो मीडियम होता है और करंट भी कैसा मीडियम होता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हम इसमें कनेक्ट करते हैं वो प्रॉपरली ऑपरेट इस पे हो जाता है देन ऑपरेशनल सर्किट का लास्ट और थर्ड टाइप है शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट बेसिकली ये ये उस टाइप का सर्किट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट रॉन्ग पाथ पे फ्लो करने लगता है और जहां पर के रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है और करंट इनफाइनाइट हो जाता है जैसा कि जब कभी भी फॉल्ट होता है तो वहां पर होता क्या है जो न्यूट्रल होता है और जो फेज होता है यानी कि जिस वायर में करंट आ रहा है उसे हम बोलते हैं फेज वायर या लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर जिसके थ्रू करंट वापस जाता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर तो जब ये दोनों आपस में कभी भी मिल जाते हैं तो इस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट और जिसमें कि बहुत कर्रा धमाका होता है विद अ स्पार्क बिकॉज यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है जिसको के मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन्फिनिटी से और रेजिस्टेंस तकरीबन तकरीबन मिनिमम हो जाता है इसीलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट नाउ तो सर्किट डायग्राम किसे कहते हैं जब हम सर्किट डायग्राम की डेफिनेशन को देखते हैं तो ये क्या कहती है इट इज दिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट

कुछ सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम और सर्किट डायग्राम में हम बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं और सर्किट डायग्राम में हम बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं जैसे कि जैसे कि ये वोल्ट मीटर का सिंबल है ये एम मीटर का ये गैल्वेनोमीटर का ये स्विच का ये बल्ब का ये वायर का देन ये सिंबल है बैटरी का ये रेजिस्टेंस का और ये रिहोस्टेट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का तो आई होप सर्किट और सर्किट डायग्राम से रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं नाउ अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आपका सवाल था कि ओम्स में यूज किया जाने वाला कांस्टेंट इन चारों क्वांटिटीज में से कौन सा है तो इसका राइट आंसर है डी रेजिस्टेंस। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रोश स्टडी को सब्सक्राइब करें नाउ अब आप मुझे सैयद साद को इजाजत दें ताकि मैं आपके लिए अगले लेक्चर में और ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ सकूं, ओके बाय